समाजवादी पार्टी का पीडीए जन पंचायत कार्यक्रम कौंधियारा विकास खंड स्थित ग्राम पंचायत टिकरी में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य शोभालाल कनौजिया ने की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पद से बोलते हुए जिलाध्यक्ष पप्पूलाल निषाद ने कहा कि केंद्र एवं प्रदेश सरकार विपक्षी नेताओं को आईडी एवं सीबीआई का भय दिखाकर लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, जो संविधान में उल्लिखित अधिकारों का खुला उल्लंघन है। श्री निषाद जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में जनहित के जितने भी कार्य किए गए हैं उनका शिलान्यास एवं पत्थर लगाकर भाजपा सरकार वाहवाही लूट रही है। विशिष्ट अतिथि विधायक संदीप पटेल ने कहा कि समाजवादी सरकार ने किसानों, नौजवानों, बुजुर्गों तथा महिलाओं को जितनी भी सुविधाएं प्रदान की थी वह भाजपा सरकार में नदारद साबित हो रही है। अखिलेश सरकार ने गरीबों को 3,25,000 का आवास दिया था, जो आज भी एक जनमानस के लिए प्रमाण है। चिकित्सा, बिजली, सड़कें एवं मेट्रो अखिलेश यादव ने शुरू किया था, जिसका लाभ आज पूरी प्रदेश को मिल रहा है। कार्यक्रम में नौजवानों में जोश भरते हुए अहिर रेजिमेंट के संयोजक गगन यादव ने कहा कि नौजवानों का जहां पसीना गिरेगा वहां मैं खून गिराने को तैयार हूं तथा अखिलेश यादव जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता हूं। कार्यक्रम में मुख्य वक्ताओं में जिला महासचिव इंजीनियर जगदीश यादव, उपाध्यक्ष गण जयशंकर भारती, अजीत सिंह, पार्षद प्रेम शंकर यादव, विधानसभा अध्यक्ष ननकेश बाबू, सैनिक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष श्याम करण सिंह, मंगला प्रसाद पाल, विमल किशोर, महेंद्र सरोज, डॉक्टर धर्मेंद्र, मोहित यादव, सुभाष आदि ने अपने विचार रखे। मजदूर सभा के नेता रामसेन यादव ने समाजवादी सरकार की उपलब्धियों पर गीत गाकर पंचायत को भाव विभोर कर दिया तथा कार्यक्रम का संचालन अजय मोहन कुशवाहा ने किया। पंचायत में भारी संख्या में महिलाएं एवं क्षेत्र के नौजवान किसान तथा पार्टी के ऊर्जावान कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के आयोजक विकास सिंह यादव ने आए हुए सभी अतिथियों का माल्यार्पण कर उनका स्वागत और आभार व्यक्त किया। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज, आपकी खबर हमारी नजर। आज मैं टिकरी के लोगों से सवाल करना चाहता हूँ कि जब भी अगर आपके घर में हमारे घर में कोई प्रसव पीड़ा उठी होगी, किसी को अगर गाड़ी की रात के बारे में जरूरत पड़ी होगी, तो अगर आपने किसी गांव के बड़े आदमी से गाड़ी मांगा होगा तो पहले तो उसने कहा होगा मेरे पास गाड़ी नहीं है, फिर कहा होगा तेल नहीं।